नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, कैसे आप उसके अंदर फुल क्वालिटी वीडियो बना सकते हो और कैसे आप उसमें फुल वॉइस क्वालिटी यानी अच्छी आवाज़ में आप उसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। आपके पास कौन सा काइन मास्टर है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पर ओल्ड वर्जन का काइन मास्टर है जिसमें यहाँ पर वाटर मार्क नहीं आता है। अगर आपको भी बिना वाटर मार्क का काइन मास्टर चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे मोस्ट सेटिंग करनी है। अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो 1 मिनट से ज़्यादा तो आपको यहाँ पर 60.9 की जो साइज़ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। और अगर आप 1 मिनट से कम वीडियो बनाते हो मतलब शॉर्ट वीडियो तो आपको यहाँ पर 9 पॉइंट जो 60 पॉइंट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और आपको 1.1 भी चलेगा शॉर्ट वीडियो में, सिर्फ शॉर्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। लॉन्ग वीडियो अगर आप बनाते हो तो आपको सिर्फ ये 60.9 जो साइज है यही आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मीडिया का एक ऑप्शन आ रहा है तो आपको मीडिया पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर ये येलो कर लेता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद अब आपका जितना वीडियो है उतना लंबा आप इस बैकग्राउंड को कर लेना है, ठीक है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर देख सकते हो एक ऑप्शन मिल जाएगा लेयर, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे तो आपको मीडिया पर क्लिक कर देना है और जो वीडियो आप बनाना चाहते हो वो वीडियो आपको ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए ये वीडियो। इस वीडियो को आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर कुछ से इसको इस तरह कर लेना है यहाँ पर फुल, ठीक है। और जो बैकग्राउंड का कलर है वो मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर देता हूँ, थोड़ा यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये अच्छा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपकी वीडियो की आवाज़ कम है तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक वॉल्यूम का बटन आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंप्रेशन पर क्लिक करना है और इसको ऑन कर लेना है, ठीक है, जिससे जो आपकी आवाज़ है वो यहाँ पर फुल क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी में ऐड हो जाएगी और ज़्यादा आवाज़ भी हो जाएगी आपके वीडियो की, ठीक है। अब आपको यहाँ पर वीडियो को देख लेना आपका वीडियो यहाँ पर कितना लंबा है। तो मेरा वीडियो यहाँ पर 27 सेकंड का है तो आपको यहाँ पर बैकग्राउंड भी 27 सेकंड का करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को कम कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है। बैकग्राउंड हमने ऐड कर लिया, वीडियो हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर इस पर लेयर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो चैनल का मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया और यहाँ पर कुछ इसको यहाँ पर इस तरह यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। ये रखने के बाद यहाँ पर देख सकते हो लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पर देख सकते हो एक कलर का ऑप्शन आ रहा है तो आपको कलर पर क्लिक कर देना, और अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो यहाँ से जो भी वो कलर आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब आपको अगर यहाँ पर इसको कुछ घुमाना चाहते हो, इस नाम को कुछ हटके लाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर देख सकते हो एक पहला ऑप्शन आ रहा है एनिमेशन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखते हो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, पोपो स्लाइड, तो मैं ज़्यादातर यहाँ पर स्पिन का ऑप्शन रखता हूँ जिससे ये कुछ अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो ये मैंने ऐड कर लिया। अब आप अगर इसमें कुछ नो कॉपीराइट सॉन्ग ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पर नो कॉपीराइट सॉन्ग पहले से डाउनलोड किया हुआ है, और अगर आप भी नो कॉपीराइट सॉन्ग डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने उस पर वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो जाकर देख लेना। तो मैं यहाँ पर ऑडियो पर क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पर नो कॉपीराइट सॉन्ग मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया है, ये मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, ठीक है। तो आपको इसकी जो वॉल्यूम आवाज़ है वो यहाँ पर आपको फुल नहीं रखनी है, आपको कुछ यहाँ पर 20 से 25%
कर लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 17 कर लेता हूँ। ये करने के बाद अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि आप इसको फुल HD में कैसे सेव करें। तो आपको यहाँ पर देखते हो एक सेव का ऑप्शन आ रहा है शेयर का, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो 720 पिक्सल, 360, 540, 1080 और 1440। तो मैं यहाँ पर जो QHD है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको 25 पल और 24 सिनेमा मिलेगा, तो आपको यहाँ पर 30 करना है, ठीक है। 30 करने के बाद फिर यहाँ पर देख सकते हो लो हाई यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आपकी वीडियो लो क्वालिटी होगी, अगर आप यहाँ पर करोगे तो आपकी वीडियो की हाई क्वालिटी होगी। तो आपको यहाँ पर पूरा हाई क्वालिटी नहीं करना है, आपको कुछ इस तरह यहाँ पर उसको आधा रखना है, ठीक है। आधा रखने के बाद यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है और आपका जो वीडियो वो यहाँ पर फुल HD में सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप काइनमास्टर से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।